नमस्कार मित्रों, हाईवे क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हिंदी के अंतर्गत क्रियाएं चल रही थी और कल जो है क्रियाओं का समापन हो चुका है, आज जो है क्रियाओं के अंतर्गत अभ्यास करेंगे। और जैसा कि कंटिन्यू चल रहा है, चार ऑप्शन और प्लस क्वेश्चन, उसके बाद में सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं क्रिया अभ्यास। तो आइए क्रिया से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप क्या है, अर्थात वास्तविक रूप क्रिया का क्या है। तो ऑप्शन है ये क्रिया, बी है धातु, सी है अधातु, डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर मूल रूप अथवा वास्तविक रूप क्या है, तो ए ऑप्शन है क्रिया, बी है धातु। तो यहाँ पर जो धातु है क्रिया का मूल रूप होता है, वास्तविक रूप होता है, और जो धातु है वो संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी में धातु का जो मीन्स होगा क्रिया से संबंधित होगा। तो यहाँ पर जो मूल रूप है धातु है, तो बी ऑप्शन सही है धातु। सेकेंड क्वेश्चन है, रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो ए ऑप्शन है दो, बी है तीन, सी पाँच, डी छः। अर्थात स्ट्रक्चर अथवा संगठन अथवा रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा क्रिया दो प्रकार की है, ए ऑप्शन सही है। तो रचना के आधार पर दो प्रकार की क्रिया होती है, सकर्मक और अकर्मक। जहाँ पर कर्म होता है वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ पर कर्म नहीं दिया गया होता है तो वहाँ पर अकर्मक होती है। जैसे इसके पहले हम पढ़ा भी चुके हैं इससे संबंधित, जैसे वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है तो अगला व्यक्ति इस पर क्वेश्चन कर सकता है क्या पढ़ता है। तो यहाँ पर क्या पढ़ता है, तो खाली पढ़ता है, तो पढ़ता है यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। और यहाँ पर अगर कर्म दे दिया जाए, वह पुस्तक पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर पुस्तक नहीं दिया गया, वह पढ़ता है, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है,
रुलाना शब्द में कौन सी क्रिया है? अब देखिए यहाँ पर खाली रुलाना शब्द दिया गया है, इसके साथ पूरा सेंटेंस नहीं दिया गया है। तो रुलाना शब्द का पहले भाव समझना है, इसका भाव क्या निकल रहा है। ऑप्शन है ए अकर्मक क्रिया, बी है सकर्मक क्रिया और सी है संयुक्त, डी है यौगिक। तो यहाँ पर है रुलाना। रुलाना को सही करने के लिए पहले हमें इस शब्द का भाव समझ लेना आवश्यक है। रुलाना, अब जैसे बच्चा रोता है तो वहाँ पर कोई माध्यम नहीं होगा, रो रहा है, खुद में रो रहा है कोई भी रीजन हो। और रुलाना शब्द का जो भाव निकलता है, रुलाना अर्थात कोई रुला रहा है, कोई माध्यम निकल रहा है। तो यहाँ जहाँ पर माध्यम निकले, कोई रुला रहा है, तो रुलाना जो है सकर्मक क्रिया होगी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, सकर्मक। तो यहाँ पर भाव निकल रहा है रुलाना, कौन रुला रहा है, तो जो रुला रहा है वही माध्यम है। तो रुलाने वाला यहाँ पर कर्म हो जाएगा और सकर्मक क्रिया के अंतर्गत शब्द आएगा। अगला क्वेश्चन है हथियाना शब्द में कौन सी क्रिया है? तो ये ऑप्शन है सकर्मक, बी है नाम धातु, सी है संयुक्त, डी है सभी। तो हथियाना, अब हाथ शब्द से निर्माण हुआ है हथियाना शब्द का। तो यहाँ पर ए सकर्मक है, बी नाम धातु, सी संयुक्त, डी सभी। तो यहाँ पर हथियाना शब्द जो है ये नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो नाम धातु क्रिया की इसके पहले मैंने डिफिनीशन बताई थी कि जो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ प्रत्यय द्वारा शब्दों का निर्माण होता है, वहाँ पर नाम धातु संज्ञा, नाम धातु क्रिया होती है। अब ये नाम धातु संज्ञा, हाथ क्या है, संज्ञा है, तो उसमें हथियाना, तो आन याना प्रत्यय लगने से नाम धातु क्रिया यहाँ पर हुई है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला है पढ़ाना शब्द में कौन सी क्रिया है? पढ़ाना, ए ऑप्शन है यौगिक, बी ऑप्शन है प्रेरणार्थक, सी ऑप्शन है नाम धातु, डी ऑप्शन है संयुक्त। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा पढ़ाना, बी ऑप्शन सही है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया की जो डिफिनीशन इसके पहले बताई थी, चर्चा की थी, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, यहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे के माध्यम से कार्य के लिए प्रेरित करता है, दूसरे को प्रेरित करता है कार्य के लिए, स्वयं वो कार्य नहीं करता। तो यहाँ पर है पढ़ाना। अगला है लिखवाना शब्द में कौन सी क्रिया है? ए ऑप्शन है प्रेरणार्थक, बी है नाम धातु, सी है सकर्मक और डी है क्रियार्थक। तो यहाँ पर सही आंसर है लिखवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। तो ए ऑप्शन सही है। तो लिखवाना किसी के माध्यम से लिखवाने के लिए अगले व्यक्ति से प्रेरित कर रहा, अगले व्यक्ति को लिखवाना, जिसे किसी खुद न लिख करके किसी से लिखवाना। तो यहाँ पर दूसरे को प्रेरित किया जा रहा, मोटिवेट किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है प्रेरणार्थक क्रिया निकल रही है। दूसरी चीज़ इसमें सबसे सरल तरीके से याद करने के लिए, यहाँ पर जो वाना प्रत्यय लगने से प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है। और इसके पहले इसमें चर्चा कर चुके थे कि ये प्रेरणार्थक क्रिया है जो ये फर्स्ट और सेकेंड दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक में क्या लगता है, आना प्रत्यय लगता है और दूसरे में वाना प्रत्यय लगता है। और हैं दोनों ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया दो भागों में विभाजित हो जाती है। फर्स्ट में क्या है, आना प्रत्यय लगने से शब्दों का निर्माण होता है और सेकेंड में वाना प्रत्यय लगने से निर्माण होता है। तो इसको क्लियर रखें। अगला है
वह खाना खाकर सो गई में कौन सी क्रिया है? तो ये ऑप्शन है सकर्मक, बी ऑप्शन है संयुक्त, सी है पूर्वकालिक और डी है नामधातु। तो यहाँ पर परसेंटेज में विशेष ये ध्यान देना है, वह खाना खाकर सो गई। तो पहले कार्य क्या किया, खाना खाया, और खाना खाकर फिर क्या सोने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही हैं, तो पहले क्रिया कौन सी की है, खाना खाया है, खाना खा कर के फिर सोना क्रिया आ रही है सोने के लिए। तो पहले क्रिया का समापन हो चुका है, अगली क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर जो पहले क्रिया का समापन करके अगली क्रिया को प्रारंभ किया जाता है, तो वहाँ पर जो है ए ऑप्शन है सकर्मक, बी है संयुक्त, सी है पूर्वकालिक और डी है नामधातु। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है पूर्वकालिक। पूर्वकालिक मीन्स पहले समय में क्रिया हो चुकी है और उसके बाद में दूसरी क्रिया होने जा रही है अथवा हो रही है, ऐसी स्थिति में आपकी क्रिया जो है पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो आइए इतने क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। तो आठवां क्वेश्चन है, क्रिया किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है कार्य का होना, बी है धातु, सी प्रत्यय, डी सभी। तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन है कार्य का होना। तो क्रिया किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए सही है, कार्य का होना। कार्य का होना अथवा करना या शुरुआत होना पाया जाए वहाँ पर जो है उसे क्रिया कहा जाएगा। अगला है, जब क्रिया को संज्ञा के रूप में बताया जाता है तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? जब संज्ञा को क्रिया को संज्ञा के रूप में बताया जाए, जैसे क्रिया है लेकिन उसको संज्ञा के रूप में बताया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी क्रिया होगी? जैसे इसके लिए एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं यहाँ पर,
पढ़ना लिखना अच्छी बात है, ये इसका एग्जाम्पल है जो क्रिया होगी। तो पहला ऑप्शन है संयुक्त क्रिया, बी है पूर्वकालिक, सी है नामधात और डी है क्रियार्थक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा क्रियार्थक क्रिया, डी ऑप्शन सही है। तो ऐसी स्थिति में क्रियार्थक क्रिया होगी। क्रियार्थक क्रिया का मीन्स यही होता है कि जहाँ पर क्रिया को संज्ञा के रूप में बताया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्रियार्थक क्रिया होगी। जैसे एग्जाम्पल दिया है ये, पढ़ना लिखना अच्छी बात है, तो पढ़ना लिखना अच्छी बात है, तो यहाँ पर जो भाव निकल रहा है क्रिया को संज्ञा के रूप में बताया गया है, तो यहाँ पर आपकी क्रियार्थक क्रिया होगी। अगला है संयुक्त क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं, तो ये ऑप्शन है दो, बी ऑप्शन तीन, सी ऑप्शन आठ, डी ऑप्शन बारह, ट्वेल्व। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है डी। तो संयुक्त क्रिया के जो कुल भेद होते हैं उनकी संख्या बारह है, और इसके पहले मैंने इसको विस्तारपूर्वक बताया था, चर्चा की थी। अगला है उसे पढ़ने दो वाक्य में कौन सी क्रिया है, ये ऑप्शन है सकर्मक, बी है अकर्मक और सी है संयुक्त, डी है सभी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है सी है, ये संयुक्त क्रिया के अंतर्गत वाक्य आएगा उसे पढ़ने दो, और उसे पढ़ने दो ये अनुमति बोधक क्रिया है जो संयुक्त क्रिया का भेद है। अनुमति बोधक, उसे पढ़ने दो, कोई अनुमति दे रहा, परमिशन दे रहा है, तो यहाँ पर अनुमति बोधक क्रिया है और ये संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आती है, अथवा संयुक्त क्रिया का एक भेद है अनुमति बोधक। अगला क्वेश्चन है घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो ये ऑप्शन है अकर्मक क्रिया, बी है सकर्मक और सी है संयुक्त, डी है प्रेरणार्थक। तो घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं, घोड़े कहाँ दौड़ रहे हैं, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन बन रहा है घोड़े कहाँ दौड़ रहे हैं, तो घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन बन रहा है तो बताया था इसके पहले जहाँ पर आपका क्वेश्चन बने, और तो यहाँ पर आपका जो है सकर्मक क्रिया होगी, घोड़े कहाँ दौड़ रहे हैं, मैदान में दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है सकर्मक क्रिया। अगर यहाँ पर दे दिया जाता घोड़े दौड़ते हैं, तो घोड़े दौड़ते हैं कहाँ दौड़ते हैं ये जानकारी नहीं दी गई, तो अकर्मक क्रिया होती, और यहाँ पर क्या घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं, तो कहाँ दौड़ रहे हैं, मैदान में दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि कर्म दिया है घोड़े कहाँ दौड़ रहे हैं, मैदान में दौड़ रहे हैं। अगला है मैं भी गणित लगा सकता हूँ वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो यहाँ पर अगर नहीं भी आ रहा है तो दो तीन बार जैसे इसको पढ़ोगे रीड करोगे तो इसका खुद भाव निकल के आ जाएगा, मैं भी गणित लगा सकता हूँ वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो यहाँ पर मैं भी ये बता रहा है कि अगले व्यक्ति के अंदर अथवा कर्ता के अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है और उसके अंदर योग्यता है, तभी वो कह रहा है मैं भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं भी लगा सकता हूँ, तो ऑप्शन दिए गए हैं शाक्य बोधक, इच्छा बोधक, पूर्वकालिक और नामधात। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए शाक्य बोधक, और इसके पहले कल मैंने जो चर्चा की थी शाक्य बोधक का मीन्स होता है शक्ति, क्षमता, पावर से, अथवा शक्ति से, योग्यता से, एबिलिटी से। तो यहाँ पर जो है कर्ता कह रहा है कि मैं भी गणित लगा सकता हूँ, या तो अपने क्षेत्रीय या व्यवहारिक भाषा में समझ लो कि जब व्यक्ति के अंदर अहम आ जाता है, अहम कब आता है, तो उसके अंदर कुछ ताकत होती है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो वहाँ पर शाक्य बोधक क्रिया होगी, और ये शाक्य बोधक क्रिया किसके अंतर्गत आती है, ये संयुक्त क्रिया का भेद है जो हम बता चुके हैं, कुल भेद उसके बारह होते हैं। अगला क्वेश्चन है वह बहुत मुश्किल से सो पाया वाक्य में कौन सी क्रिया है, पहला ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त और अगला है सकर्मक और डी ऑप्शन है अवकाश बोधक। तो यहाँ पर इसको
फिर पढ़िए, रीड करो, वह बहुत मुश्किल से सो पाया। इसका मीन्स है पहले कहीं न कहीं व्यस्त रहा होगा, बिजी रहा होगा और बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत कठिनाई के बाद उसको समय मिला तब वो सो पाया। अगर समय न मिलता तो वो सो नहीं पाता, बहुत मुश्किल के बाद वो सो पाया। मतलब सोने कब गया, जब उसको समय मिल गया, टाइम मिला। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अवकाश बोधक। जब उसे अब समय मिला, छुट्टी मिली अथवा अवकाश मिला, तब वो सोने की उसने क्रिया प्रारंभ की। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अवकाश बोधक। तो अवकाश बोधक ये संयुक्त क्रिया का भेद है और इसके अंतर्गत जो है छुट्टी अथवा जो उस समय के लिए व्यक्ति बिजी नहीं रहता है, खाली हो जाता, समय मिल जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, अवकाश बोधक कहेंगे। जैसे वह बहुत मुश्किल से सो पाया, इसका मतलब पहले वो बिजी रहा होगा, जब उसको समय मिला तभी उसने सोने की क्रिया की। तो नेक्स्ट टाइम में हम इसके अंतर्गत और चर्चा कराएंगे। तो आज क्लास ओवर हो चुका है, तो अगले दिन भी इसी क्रिया का अभ्यास कराएंगे अच्छे से। और रेगुलर आपको वीडियो मिल रहा है, पूरा ध्यानपूर्वक देखिए, अच्छा लाभ होगा। और बेहतर तरीके से देने का पूरा प्रयास करेंगे, तो उसको देखिए। ओके, थैंक्स।